हम बड़ा जबरदस्त सा टॉपिक आपके सामने लाए हैं और वो टॉपिक है जवानी। जवानी वो पीरियड है जिंदगी का जहाँ इंसान अपनी सोच को और अपने इरादे और अमल को इख्तियार को चेंज कर सकता है। लोग जब गार्डन पे वॉक कर रहे होते थे पार्क्स वगैरह में तो हम हंसते थे कैसे पागल आदमी वॉक कर रहा है। जवानी के अंदर आपको बड़ी चीजों का एहतियात रखना है। अभी जो करना है कर लो, खुदा से माफी, बुढ़ापे में मान ले, सारी इबादत बुढ़ापे का काम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मी एंड डॉक्टर मोइजा हियर विद यू टुडे। और आज एक हम बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक आपके सामने लाए हैं और वो टॉपिक है जवानी। अक्सर हम कहते हैं जवानी दीवानी, जवानी के अपने प्रोज होते हैं, जवानी के अपने कॉन्स होते हैं। जवानी के अंदर इंसान जो चीज़ें अपना लेता है वो ज़िंदगी पर साथ चलती हैं, और जवानी में जो यादें और जो रिश्ते बनते हैं वो पूरी ज़िंदगी साथ चलते हैं। अक्सर बोला जाता है जब आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो आपके फ्रेंड्स हमेशा रहते हैं, फिर उसके बाद जो आपके फ्रेंड्स बनना शुरू होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, आपकी वर्क स्पेस में, वर्क एनवायरनमेंट पे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते रिलेशनशिप। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द एज एंड उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, और स्पेशली द एज ब्रैकेट ऑफ जिसको हम जवानी कहते हैं। सर, ये एज ब्रैकेट क्या है जवानी का? अच्छा, पहले तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं ये बता दूँ कि ये आज का जो ये हम वीडियो कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं अकेला कर रहा था, फिर मुझे ख्याल है जवानी पे, तो मैंने कहा जवान को ले लूँ। उन्होंने कहा एक ऐसी एग्जांपल लो जिसके आगे मैं जवान लगूं, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया। तो उरूज को मैंने इसलिए लिया कि जाहिर है ये वो एज है जहां वो बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस भी बता सकती है। अच्छा, इस वीडियो का, इस वीलॉग का मकसद क्या है? मेरा जो मकसद था वो ये था, जवानी वो पीरियड है ज़िंदगी का जहाँ इंसान अपनी सोच को और अपने इरादे और अमल को, इख्तियार को चेंज कर सकता है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान के अंदर पुख्तगी आती है उसके बिहेवियर में, उसके हैबिट में, और उसके बाद चेंज मुश्किल है। तो अगर तो इंसान इस एज में जिसको जवानी हम कहते हैं चेंज कर लें, तो आने वाली ज़िंदगी खुशहाली भी होगी, कामयाबी भी होगी, सुकून भी होगा, सेहत भी होगी और खुशियाँ भी होंगी। इसलिए अच्छा, मेरा पर्पस था। अच्छा, ये पर्पस तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल मेरा इसलिए है कि जवानी जो होती है, लाइक मैं तो अभी भी सोचती हूँ मैं बचपन में हूँ तो मैं जवानी तक पहुँची नहीं हूँ, तो ये जवानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वक्त आज बैठ के, वो हम क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में बात कर रहे हैं कि हम एक मेंटल एज के बारे में बात करके, जिसको हम कहते हैं कि इंसान अपने ज़हन में हमेशा जवान रहता है। मेरे ख्याल में हम दोनों पे बात कर लेते हैं, राइट? Okay. क्योंकि आम लोगों को क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कैलेंडर एज, राइट? देखिए, आपकी जो पीक होती है सेहत की, ताकत की, कुवत की, फैसला करने की, वो आपकी 40 साल के बाद बतदरीज कम होना शुरू हो जाती है। सही। यानी 40 साल के बाद मशीनरी पुरानी हो जाती है। सही। फिर उसमें पार्ट्स तब्दील करने पड़ते हैं, ट्यूनिंग चाहिए उसको, वगैरह वगैरह। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल क्रोनोलॉजिकल एज। सही। और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम बाज़ चीज़ों को डिस्कस करें। सही। अच्छा, मौला कायनात का एक फरमान है कि याद रखना कि जवानी हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन चली जाएगी। और जब इंसान जवान होता है तो वो इस चीज़ को भूल जाता है कि एक दिन यही जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहीं बड़ा एक टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी और मैं बड़ा हंसी थी उस वीडियो को देख के। तो वो वीडियो ये थी कि लड़की अपनी 38th ईयर की कैंडल जला रही होती है और कहती है आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, मतलब इट वाज अ नॉर्मल एक वीडियो थी, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिनको मैंने 38 साल की उम्र में, जब मैं खुद 28 की थी तो मैंने 38 साल की उम्र में उनको बुड्ढा कहा था या बूढ़ा कहा था। सो अक्सर हम अपने से जो बड़े होते हैं उनको कहते हैं यार उनकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम खुद उस एज पर जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि नहीं, ये बुढ़ापे वाली एज नहीं है। सो अगेन वही कि जवानी आपके पास हमेशा नहीं रहती, बट वी ऑलवेज जज पीपल ऑन देयर एजेस। अच्छा सर, जवानी में किन किन ऐसी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए जो हमें इन फ्यूचर काम आएंगी, और किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए? मेरे ख्याल में हम इस पर थोड़ा सा गहराई में बात करें। पहली तो चीज़ ये है कि जवानी में इंसान को अफसोस नहीं होता। जवानी में अफसोस नहीं होता, वो समझता है वो दुनिया फतह कर लेगा, उसके ख्वाब, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी होती है, और अच्छी बात है। ठीक। अब जिन चीज़ों का ख्याल रखना, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेहत। फर्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ के हवाले से आम तौर पर चूंकि आप जवान होते हैं एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सही। तो आप नहीं सोचते कि इस जवानी में अगर मैं अपनी सेहत को बरकरार करूंगा तो ये आगे जाके बुढ़ापे में काम आएगी। ठीक है। तो एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जिस्म को तवाना रखना और उसको वो वर्जिश देना, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, परसों मेरी बात हो रही थी किसी से, परसों में बैठी हुई थी बाहर गैलरी में, तो बात कर रही थी मैं, तो उसने कहा कि जब हम जब जवान थे ना तो लोग जब गार्डन पे वॉक कर रहे होते थे पार्क्स वगैरह में
लगता मस्ते थे, कैसा पागल आदमी वॉक कर रहा है, राइट? अब हम उस एज पे आ गए कि अब हमें जरूरत पड़ गई ये वॉक करने की, तब तो यार वो पागल नहीं था उस वक्त, हम पागल थे, हमें उस वक्त वॉक करनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि हमें अपनी जवानी के अंदर वो स्टेप्स लेने चाहिए कि हम जब एक एज पे पहुंचे, मैं बुढ़ापे की बात नहीं कर रही हूँ, बट आफ्टर 35-36 कि जहाँ हमारी बॉडी को जरूरत है एक्सरसाइज की, उस पॉइंट पे जाए ना अगर हम वो अभी काम करना शुरू करें। अगर जवानी में आप वर्जिश की आदत डालते, जिम चले जाए, वॉकिंग की आदत डालें, कोई और ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, एथलेटिक की एक्टिविटी हो, तो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। बिकॉज जितनी भी जवानी को आप प्रिजर्व करेंगे वो आगे जाके प्रिजर्व होगी। ये बड़ा कमाल है कि ये जो एनर्जी आप जवानी में प्रिजर्व करते हैं वो एनर्जी आगे जाके काम आती है। प्रिजर्व करना जरूरी है आपको। अच्छा सर, अक्सर हम इस जवानी के अंदर जब हमें जोश होता है, जज्बा होता है जो है इस एज में होता है, और अक्सर आपको आई थिंक हार्मोन्स की वजह से भी बहुत फील होता है, स्पेशली आफ्टर टीन एजेस जब आपके हार्मोन थोड़े से रिलैक्स होते हैं, देन यू फील लाइक यू कैन गो एंड एक्चुअली यू नो विन अ वर्ल्ड वॉर और समथिंग लाइक दैट, राइट? बट आफ्टर 40, आई एम 35 राइट नाउ, और मुझे ये फील होता है कि जो मेरे में गुस्सा या जो मेरे में वो था ना वलवला जोश, इस सेवन अप की तरह जो था मेरे में वो सारा जोश, वो मेरी सेवन अप की तो वो तुम्हारा अभी भी है। पहले तो ये बताओ कि तुमने अपनी सेहत को इस एज में बरकरार रखने के लिए तुमने कितना वजन गिराया है? मैंने इस वक्त गिराया है 29 to 30 केजी, तो ये लगभग 60 पाउंड से ज्यादा हो गया, 63-64 पाउंड या। और ये रियलाइजेशन तुम्हें हुई कि अगर तुम्हें वजन बढ़ेगा तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा, राइट? वो हुआ ये था कि जब मैं वॉक करती थी तो मेरे घुटनों में पेन शुरू हो गया, दो आई हैव नो प्रॉब्लम विद माय वेट, इफ आई एम फैट आई एम फाइन, आई एम थिन आई एम फाइन, लेकिन जब मैं वॉक करती थी मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता था। सो देन आई रियलाइज कि यार इट्स टाइम, इट्स फॉर माय हेल्थ दैट आई हैव टू लूज माय वेट, सो नथिंग फॉर माय बॉडी इमेज। यही बात है ना, ये रियलाइजेशन है, राइट? इससे पहले कि कोई तकलीफ हो, दर्द हो, अभी से रियलाइज करो कि इस जवानी में अगर अपने जिस्म को सिक्योर करोगे एक्सरसाइज के जरिए। और दूसरी चीज, डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। हम अभी अमेरिका में थे तो हमने बहुत सारे लोगों से बातें की, उन्होंने जो हमें बातें बताई वो शॉकिंग नहीं थी कि ये जो फूड हम खाते हैं, बेसिकली यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं आप वो बनते हैं। तो अगर आप डाइट के हवाले से, ठीक है कभी कभी आपने मजेदार चीजें खा ली, हलीम खा लिया, समोसे खा लिए, हलीम हेल्दी है यार, प्याज व्याज नहीं डालते, अगर हेल्दी हो तो, लेकिन उसके अलावा डाइट का ख्याल बहुत रखना है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर ब्रेकफास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ब्रेकफास्ट को निग्लेक्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वजीर की तरह, और रात का खाना फकीर की तरह। मगर यहाँ उल्टा हिसाब है कि हम रात को मुरगन खाना खाते हैं, सुबह अक्सर लोग नाश्ता नहीं करते, तो डाइट का भी ख्याल रखें। तो यार डॉक्टर मोइज़ एक बात की कि यू आर व्हाट यू ईट एंड यू बिकम व्हाट यू थिंक, सो थिंक के ऊपर जो बात है वो हम डॉक्टर मोइज़ से बात करेंगे जवानी की सोच के बारे में, कि हमारी बहुत सारी ऐसी सोचें होती हैं जो पहले तो हम जब टीन एज में आते हैं तो कहते हैं ना एक प्लेन उस वक्त टेक ऑफ कर रही होती है, तो टेक ऑफ करती है तो बड़े हमारे सपने होते हैं। फिर जब हम जवानी पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी, मैंने आफ्टर स्कूल आफ्टर कॉलेज लाइफ बहुत सारे ऐसे रिजेक्शंस मिलती हैं, बहुत सारी रियलिटी से हम जब सामने आते हैं उसके, तो वो प्लेन थोड़ा सा दगमगाना शुरू करता है और बुढ़ापे में वो लैंडिंग ही तरफ जाता है। तो अक्सर लोग, एक बात मैंने सुनी है और मैंने बहुत दफ़ा सुनी है माँ बाप को अपने बच्चों से कहते हुए, कि अगर जवानी में कुछ नहीं किया तो बुढ़ापे में कुछ नहीं मिलेगा, क्या ये फैक्ट है? उरूज बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी, और जो लोग, तुम तो हवाई जहाज़ में बहुत सफ़र करती हो तो हवाई जहाज़ की मिसाल मैं समझाता हूँ। जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है, दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लैंडिंग और एक टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब ये है कि जवानी के अंदर आपको बड़ी चीज़ों का एहतियात रखना है, कि अगर जवानी में गलत गिज़ा खाई, गलत सोहबत में बैठे, एक्सरसाइज नहीं की, अपने जिस्म को आपने मिसयूज़ किया, तो वो टेक ऑफ वाला मामला है कि एहतियात के साथ ख्याल रखें, राइट? फिर जब जहाज़ अपने पहुंचता है, उसके बाद रवानी है उसकी, ये आपकी ज़िंदगी है कि अगर आपने चढ़ते वक्त संभाल लिया अपने आप को तो ज़िंदगी आराम गुजरेगी। फिर जहाज़ डिसेंड करता है जब नीचे आता है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। जहाज़ में दो ही मकाम ऐसे होते हैं वक्तों से, जब पायलट को और पूरे जो कैबिन है उसको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ख़ासकर पायलट को, ये आपका ज़िंदगी का वो वक्त होता है जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। सही। तो अगर आपने चढ़ाई के वक्त संभाला है
तो उतरते वक्त आपको प्रॉब्लम कम से कम होगी, क्योंकि बाकी टाइम आप ऑटो पायलट पे। ऑटो पायलट के ऊपर। सही। अच्छा सर, जवानी में अक्सर मैंने ये सुना है लोगों से, और अक्सर यंगस्टर्स से तो नहीं, मतलब थोड़ा सा यंगस्टर्स, तो मैं मतलब 18 बिलो की बात कर रही हूँ, बट 18 अबव से मैंने सुना है, एंड 35 एंड 40 बिलो से, कि यार माफ़ी ना बुढ़ापे में मांग लेंगे, अभी जो करना है कर लो, खुदा से माफ़ी, बुढ़ापे में मांग लें, सारी इबादत बुढ़ापे का काम है, ये अक्सर हम बात सुनते हैं यंगस्टर्स से। तो क्या हमने अपनी जवानी में जो कुछ करना है इसमें इबादत और जवानी की इबादत का क्या लिंक है? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बड़ा मशहूर मिसरा एक शेर का, इंसान को ये पता है कि कल वो जिएगा कि नहीं जिएगा। हमने उम्मीद पे एक मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें कहा था आप सुबह जब रात को सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सुबह जागेंगे, ये सिर्फ आपकी उम्मीद है। जो काम दुनिया में कामयाब तरीन लोग, और कामयाबी से मुराद सिर्फ बिजनेस या जॉब के हवाले से नहीं, ज़िंदगी कामयाब लोगों का एक उसूल रहा है कि वो वक्त पे एक्शन करते हैं, वक्त पे अमल करते हैं। इबादत है तो जवानी की इबादत जो है वो ज़्यादा आपको बरकत देती है, ज़्यादा सवाब मिलता है, बिकॉज जवानी में इबादत करना बड़ा मुश्किल है। बुढ़ापे में आपके पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि ज़ाहिर काम नहीं है आपके पास, तो फारिग इंसान या तो टीवी देखता है, इबादत, जवानी की इबादत बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें आपको मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, प्लस दिल नहीं चाहता ना। अच्छा एक और भाई बात, मैं और सुहेल भाई शायद अगेन जब मैं आई थी तब डिस्कस कर रहे थे कि हमारी एक इस्लामियात की टीचर थी मिस नसीम कॉलेज टाइम पे, तो वो कहती थी कि ठीक है नमाज पढ़ने के अपने बहुत फ़वाद हैं जो है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया है कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला काम आप फजर की नमाज़ पढ़ते हो, तो उस वक्त से लेके जोहर तक वो जो नमाज का असर रहता है कि आप झूठ नहीं बोलोगे, आपका टाइम टेबल रहेगा, आप चोरी नहीं करोगे, आप धोखा नहीं दोगे, फिर जैसे खाना वाना खाते हो एक ब्रेक आ जाता है, फिर जोहर की नमाज़ आ जाती है, तो जोहर से लेकर असर तक आप जोहर की नमाज ने आपको फ्यूल ट्यून अप कर दिया है। तो ये जो इबादत जवानी में हमें जो टेक ऑफ कर रहे होते हैं, जो ऑटो पायलट पे होते हैं, उसमें हेल्प करती है इबादत। अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है, नमाज कायम करने का जिक्र है। सही, दोनों में बड़ा फर्क है। जो कॉन्सेप्ट तुम बता रही हो इसका मतलब है नमाज कायम करना। फजर की नमाज पढ़ी, जो कुछ पढ़ा आपको पता होना चाहिए आपने अल्लाह से क्या बात की, जोर तक उस पे कायम रहे, फिर जोर पे नमाज पढ़ी असर तक कायम रहे, असर की नमाज पढ़ी मगरिब और इशा तक। इसका मतलब ये है कि अगर नमाज सोच समझ के पढ़ी जाए, खासकर जवानी में, अगर आप कुछ आदत, कुछ बिहेवियर, कुछ रवैये अपना लेते हैं मजबूती के साथ, वो सारी जिंदगी आपको काम आती है। सो जवानी में जो आप नमाज स्पेशली पढ़ते हैं ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील आप लोग की एक्सप्लेनेशन के बाद और डिस्कशन के बाद, कि वो हम ज़्यादातर अपने लिए पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज वो हमें हेल्प करती है इबादत, हमें अपना टाइम मैनेज करने में हेल्प करती है, हमें अच्छी आदत को अपनाने में करती है। अच्छा सर, अब बात करते हैं जवानी के प्यार की। बड़ा हॉट टॉपिक है, और जवानी में अक्सर लोगों को प्यार हो जाता है, एक कहते हैं बचपने का प्यार जिसको पपी लव कहते हैं, फिर एक प्यार होता है जो आपको जवानी के बाद होता है, उसके बारे में कुछ बताएं, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स टू लिसन टू दिस। हम जिस मोहब्बत की बात करते हैं उस मोहब्बत को पहले समझे, मोहब्बत निज़ाम कायनात को चलाती है। ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन की वजह से हर शय अपनी मदार में घूमती है, ठीक है। अच्छा, यही मोहब्बत प्यार माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, हम वतनों के साथ, अपने मुल्क के साथ, रब के साथ, रसूल के साथ, दीन के साथ, ये प्यार ही तो है जो जोड़ता है आपको। अब मगर अगर ये प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाए और उसके में आप रास्ते से भटक जाएं, हट जाएं, तो फिर आपकी ज़िंदगी जवानी तबाह, जवानी तबाह तो आपकी पूरी ज़िंदगी। जवानी में आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, आपका आगे फ्यूचर है, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार के हुदूद मुकर्रर कर लें कि भाई किस हद तक मुझे आगे जाना है। सही। और अगर आपको शादी करनी है तो आपकी एज, आप ज़िंदगी में सेटल हो गए, जॉब है, बिजनेस में, तो फिर डेफिनेटली वो जो तरीका है उस प्यार का, आप ये कि रिश्ता डालें और शादी करें। ये तो आपने बात ही किसी और से प्यार करने की, इस जवानी के अंदर सेल्फ लव के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, जवानी में सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इंसान, और वो बाज़ दफ़ा नुकसान करता है, बिकॉज अगेन सेल्फ लव में क्या आप अपनी ज़ात से इतना प्यार करते हो कि कोई दूसरा अहमियत खो दे? मतलब आप वालिदैन की बात नहीं मानते क्योंकि आप अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। प्यार से मुराद अपनी मर्ज़ी भी है, अपनी चाहत भी है, अपनी ख्वाहिशात भी है। तो क्या ये ख्वाहिशात इतनी ज्यादा है कि दूसरों को आप रोन दो इसमें? लेकिन मेरा परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है। मेरा परसेप्शन ये कि दिस द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इज सेल्फ लव। सेल्फ लव इज डिफरेंट, बट सेल्फ लव का ये मतलब नहीं है कि जो रिश्ते आपसे मुंसलिक हैं, जो प्रायोरिटी जिंदगी में, उसको आप इग्नोर करो, वो सेल्फ लव में नहीं आती। सेल्फ लव में आपके पास खुद एतमादी आती है,
आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, आपके पास विल पावर बढ़ता है. बट कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इफ आई एम हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोना मेक यू हैप्पी एज माय फादर. बट इफ आई एम नॉट हैप्पी, अगर मैं अपनी मर्जी नहीं कर रही या मैं खुश नहीं हूँ या मैं प्रेस्ड हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, तो मैं इवेंचुअली आपके लिए शायद सप्रेस्ड हो भी जाऊँ, जो नहीं करते ही है बट एक एग्जाम्पल है, लेकिन इवेंचुअल जाके मैं आपके को भी खुश नहीं कर सकती. देखिए सेल्फ लव ये नहीं है. हाँ. यही तो हम गलती कर रहे हैं समझा. सेल्फ लव से मुराद ये कि आपकी अपनी नज़र में क्या अहमियत है, क्या इज्जत है और आप क्या समझते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो. दिस इज पार्ट ऑफ सेल्फ लव, राइट. कई लोग जिंदगी में अपने मकसद को कामयाब नहीं होता, उनका इसकी वजह ही है कि डीप डाउन उनका बिलीफ ही होता है कि आई डोंट डिजर्व इट. ठीक है, तो वो उनको गोल अचीव नहीं होता उनका. सेल्फ लव से मुराद ये कि जितना आप अपनी जात से प्यार करते हो उतना ही आप दूसरों से भी प्यार करते हो. ओके, अच्छा सर, जवानी के अंदर हमने प्यार की बात की, हमने सेल्फ लव की बात की, अब जवानी के धोखे की भी थोड़ी बात करते हैं. बिकॉज बहुत सारा आजकल जब मैं आई हैव बिन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन टिकटॉक नाउअडेज एंड बिकॉज मैं बहुत रैंडम वीडियोज़ देखने लगी हूँ एंड आई थिंक आई हैव टू स्टॉप दैट बिकॉज मैं ऑटो पायलट पर हूँ, मुझे डिसेंड भी करना है. सो राइट नाउ आई हैव टू स्टॉप वॉचिंग ऑल दोज वीडियोज़ दैट मच. मैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूँ तो बेहतर है. तो मैं बहुत सारे दुख बड़े गानों पर लोगों को री इनैक्ट करते हुए देखती हूँ एंड समटाइम्स आई हैव सीन सम एब्सर्ड वीडियोज़ ऑन टिकटॉक और ऑन यूट्यूब और समवेयर एल्स ऑन द सोशल मीडिया के जहाँ लोगों ने अपने हाथ काटे होते हैं, अपने अपने आप को तकलीफ पहुँचाई होती है जस्ट टू कम टू शो द अदर पर्सन हाउ मच दे लव देम और जस्ट टू एक्सप्रेस दैट हाउ मच दे आर हर्टिंग आफ्टर द ब्रेकअप. तो ये जो पेन से गुजरती है जवानी के अंदर, जो आपका ब्रेकअप होता है, आपको रिश्ता टूटता है या आप किसी डिप्रेशन में, तो उसके बारे में कुछ बताइए. पेन आपको ये तो बनाता ही, आपको तोड़ देता है. हाँ, दोनों चीजें. हाँ, ये जो हम हमदर्दी हासिल करने के लिए लोग है ना अपना हाथ काटते हैं, हाँ, खून से अपने महबूब का नाम लिखते हैं या महबूबा का नाम लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. जिंदगी में अगर आपको धोखा मिले और आप टूट जाएं तो उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उस शख्स को कुछ बताएं कि आप क्या बन गए. यू कैन आइदर राइज और यू कैन कीप फॉलिंग डाउन एंड यू डोंट गेट अप. ये आपके ऊपर है, ये रवैयों की बात होती है कि एटीट्यूड आपका है. मैं समझता हूँ हर धोखा आपको एक सबक सिखाता है ज़िंदगी में. एक आदमी से किसी ने पूछा, बड़ा कामयाब आदमी ज़िंदगी में था, उससे किसी ने पूछा कि तेरी कामयाबी का राज क्या है. उसने कहा हर धोखे के बाद मैंने सीखा हूँ कि किस पे ट्रस्ट करूं किस पे ना करूं, मगर मैंने ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा. ओके, बट जस्ट चूज करना शुरू किया. सो ऑल द यंगस्टर्स हु आर आउट देयर हु आर राइट नाउ मे बी सफरिंग फ्रॉम अ ब्रेकअप, राइट नाउ मे बी आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है या आपकी कोई डिवोर्स हुई है या व्हाटएवर इट हैज हैपेंड इन योर लाइफ राइट नाउ, आप सबके लिए एक मैसेज है. जो चला गया है उसके लिए अपने आप को तकलीफ पहुंचा के आप उसको हासिल नहीं कर सकते. ये पता नहीं ये फॉर्मूला कहाँ से किन फिल्मों में आया कि लोगों के जहन में बैठ गया कि अगर आपका रिलेशनशिप टूट गया है तो आप अपने आप को तकलीफ पहुंचा, वो बंदा आप पे हमदर्दी करके वापस आ जाएगा. याद है मैं जब 20-21 साल का था तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर थे. एक तो जेसीस का था जूनियर चैम्बर और एक गैलेक्सी ऑफ यूथ लोकल थी. जूनियर चैम्बर तो इंटरनेशनल थी. वहाँ एक हमारी मेम्बर थी, उसने एक दिन गज़ल गाई थी, सबा उसका नाम है, मुझे याद भी याद है. उसका एक शेर मुझे याद है अच्छी तरह जो तुम्हारे बात से बिल्कुल मुंसलिक है और वो शेर ये था, इन्हीं खुश गुमानियों में कहीं जान से ना जाओ, इन्हीं खुश गुमानियों में कहीं जान से ना जाओ, वो जो चारा घर नहीं है उसे ज़ख्म क्यों दिखाओ. तो जिसने आपको धोखा दिया उसको आप अपने ज़ख्म क्यों दिखा रहे हैं. आप जिंदगी में कुछ बने ताकि वो शख्स सोचे कि यार मेरे से गलती होगी, मैंने इस शख्स को धोखा दिया, ये आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया. सही, दैट इज द लेवल दैट आई वांट यू ऑल टू डू. और हो सकता है कि आपकी भी गलतियाँ हों रिलेशनशिप के ब्रेकअप के अंदर, तो उन गलतियों को सुधारें. ज़रूरी नहीं कि अगला बंदा ही गलत है अगर ब्रेकअप हो रहा है, तो इल्ज़ाम देने से ज़्यादा उसकी किरदार कशी करने के अलावा आप ये देखें कि अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं. बिकॉज वंस यू बिकम बेटर you will have someone better in your life. Very good. So always have that. अच्छा सर, आजकल के माहौल के अंदर not only in Pakistan but everywhere in the world there is a pandemic kind of a thing के youngsters नशे की तरफ जा रहे हैं और इस नशे के अंदर they are losing, वही वाली बात है कि they are losing their time, they are losing their jobs, they are losing the opportunities to learn, to travel, to do things, to make money, to earn money and save money. ये नशे की आदत इस एज के अंदर किस तरह लगती है और किस तरह बचना चाहिए? देखिए नशे में एक और चीज़ भूल गई, सेहत भी जाती है, रिश्ते भी टूट जाते हैं इंसान के और इंसान लाचार मजबूर हो जाता है बिकॉज नशे का गुलाम हो जाता है. अच्छा अब ये सोचो क्या प्यार से बड़ा नशा हो सकता है?
अक्सर नशे वालों जो लोग नशे पे स्पेशली टीनेजर और नशे की तरफ रागिब होते हैं उनकी कुछ कैटेगरीज है। एक तो वो होता है जिन्होंने ऐसे ही फन के लिए ट्राई किया दोस्तों के साथ मिलके और वो हुक्ड अप हो गए आदि हो गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें घर में उनको माँ बाप से वो प्यार नहीं मिलता या वो तवज्जो नहीं मिलती या उनको बार बार कंपेयर किया जा रहा है, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो नशे की तरफ जाते हैं। वो रियलिटी से अपने आप को हटाते हैं। तो वो एक फेक वर्ल्ड में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं नशे के जरिए। ठीक है, अब इन दो केसेस में जब नशा एक दफा आदि हो जाए तो उसके बाद इंसान बेकार हो जाता है। हमारे पास कई फोन आते हैं, कई केसेस आते हैं, ब्रेकअप्स के भी आते हैं, और ब्रेकअप्स में बाज दफा इसलिए भी ब्रेकअप आते हैं कि पता चला जी लड़का या लड़की जो है वो नशे के आदि हो गए। अच्छा, नशे की वापसी का रास्ता कोई नहीं है। सही, हमने देखा है रिहेबिलिटेशन सेंटर में निकलने के बाद भी फिर आदमी नशे की तरफ जाता है। तो मैं तो हम इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों, दुआ कीजिएगा कामयाब हो। मैं उरूज, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर हम नौजवानों पे यूज करें, दो दिन हमें चाहिए उनके साथ, तो वो जिंदगी भर नशे की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, वो सब मैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं ना उनसे भी ये सवाल है, वो भी हमें लिख सकते हैं अपने कमेंट्स के अंदर, कि अक्सर मैंने देखा यंगस्टर्स को बड़े फखरी तौर पे बताते हुए कि हाँ यार मैंने तो ये ट्राई किया है, हाँ मैंने तो वो भी ट्राई किया हुआ है, मैं तो ये मैं ड्रिंक भी करता हूँ करती हूँ, भले पाकिस्तान में कोई चीज़ अलाउड नहीं, मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है। ये एक ऐसा नशे की बात कर रही हूँ मैं कि दे फील सो प्राउड ऑफ इट कि मैंने ये वाली ड्रग्स भी ट्राई की, मैंने वो वाली ड्रग्स भी ट्राई की, एंड आई एम सो कूल। डू यू थिंक डूइंग ऑल दोस थिंग्स एंड शोइंग ऑफ मेक्स यू कूल? मुझे ये बताएं, बिकॉज यू हैव नथिंग एल्स टू बी प्राउड ऑफ, या सो दैट इज द ओनली थिंग यू कैन बी प्राउड ऑफ। दो चीजें होती है, राइट? अगर जिंदगी में आपकी अचीवमेंट्स है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है या करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज होती है, कई लोग उस ग्रुप में इन होना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, बिकॉज वो एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को उस फैमिली में, उस ग्रुप में, बिकॉज वो सब कुछ उनका हो जाता है। उनके माँ बाप उनके जहन से हट गए, उनके भाई बहन हट गए, दोस्त हट गए, बस वो जो ग्रुप है जो नशा यूज करता है, चाहे कोकेन हो या हेरोइन हो, बस उस ग्रुप के साथ उनकी इतनी ज्यादा एसोसिएशन होती है कि वो उसी फैमिली का मेंबर बन गया। ये प्रॉब्लम। सो इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इट्स नथिंग टू बी फीलिंग कूल अबाउट, इज बिकॉज मैं अक्सर आई लाइक चिक फ्लिक मूवीज, सो व्हेनेवर आई वॉच द मूवी, तो उसमें एक मूवी में एक बात की थी कि ये जो सारे कूल लड़के लड़कियां हैं ना जो आर इन ड्रग्स पार्टीज और वट एवर, वो आगे जाके लाइफ के ना जब ऑटो पायलट का टाइम आएगा, सो दे विल बी वर्किंग इन, अगेन वो दूसरे माशरे की बात हो रही है, दे विल बी वर्किंग इन मैकडॉनल्ड्स और समवेयर लाइक दैट, और वो सारे जो इस वक्त फील कर रहे हैं कि हम बड़ा आउट ऑफ सीन है और बड़ा हम आउट ऑफ, हम इन नहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ये सारे लोग उनके पास हायर्ड हुए हुए होंगे। सो यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ एट दिस एज वेर यू वॉन्ट टू बिलोंग वेन यू आर इन ऑटो पायलट, राइट? बिकॉज आई थिंक देर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग फन, बट अगर आप फन के साथ अपने जात के साथ फन करें तो इट्स मोर लाइक एंजॉयबल देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन अ ड्रग एंड डेवलप। मतलब जवानी एक वो वक्त है, इसको कभी जाया मत होने दें, इसको हाथ से ना निकल दें। ये वक्त है जब आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, काफ कर सकते हैं, जिस तरह एक संगतराश एक पत्थर में से एक पूरा मुजस्मा बाहर निकालता है, ये एज है आपकी। याद रहे ये जवानी वापस नहीं आएगी, बहता हुआ धारा है, एक दफा पानी गुजर गया वो पानी वापस नहीं आया। आप सब समझ रहे हैं कि ये हम थोड़ी बात कर रहे हैं इसलिए दैट वी वांट टू बी वेरी क्लियर विथ यू गाइस दैट दिस वीडियो स्पेशली वी मेड इट वाज रेकमेंडेड बाय सुहेल भाई एंड द टॉपिक वाज रेकमेंडेड बाय हिम बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर राइट नाउ टेकिंग देयर क्या कहते हैं उसको जो इनकी लाइफ है इस एज को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वेस्ट कर रहे हैं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ठीक है मेरे पास टाइम है, लेकिन वही आपने बात की कि हमें सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है। अच्छा सर, बिफोर वी एंड दिस टॉपिक, एक मेरा आपसे ये सवाल है कि जवानी के अंदर वो जो गुस्सा, वो जो वलवला, वो जो जोश होता है जिसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, कि कभी किसी पे फायर कर दी, कभी किसी को ऐसा नुकसान पहुँचा दिया जो वापस इरिवर्सिबल है जस्ट बिकॉज उस सेकेंड के अंदर गुस्सा आया, और कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते हम तोड़ देते हैं कि जब हम जब उस बुढ़ापे की तरफ जाते हैं हम थोड़े मैच्योर होते हैं, हम होते हैं या उस जवानी में मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जवानी में गलतियां इंसान करने की बहुत सारी वजूहत होती है। एक तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता है, दूसरा उसके हारमोन्स का भी एक बहुत बड़ा खेल है, तीसरा स्पेशली अगर वो कोई इलीट क्लास से बिलोंग करता है जहाँ घर के अंदर गार्ड रखे हुए हैं, तो वो समझता है वो शहनशाह है, बादशाह है, जो चाहे कर सकता है। वैसे कई वाकयात हमने देखे, डबल कैबिन में पीछे गाड़ी आ रही है, डबल कैबिन, वहाँ से गार्ड उतरते हैं गन्स लेकर, बंदा आगे गाड़ी में है,
तो वो अपने आप को शहंशाह समझता है, वो समझता है कुछ भी कर सकता है। यही इंसान के अंदर सबसे बड़ी गलती होती है। याद रहे, इंसान जितना भी कोशिश करे, चारों गार्ड चारों तरफ रख ले, होने को रोक नहीं सकता। होने वाली कोई चीज़ होगी वो रोक नहीं सकता। तो चंद बातें। नंबर वन, गुस्से को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल जवानी में, मगर सबसे ज्यादा इंसान को बेनिफिट मिलता है अगर गुस्सा जवानी में कंट्रोल कर लेता है। वो जो कंट्रोल आपके पास आता है जवानी में, वो कंट्रोल सारी जिंदगी आता है। फिर खुदा ना खास्ता आप बीमार हो गए, डॉक्टर कहता है ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, आपके पास कंट्रोल होगा, आप कहेंगे नो, या नो टू ड्रग्स भी कर सकते हैं। तो ये गुस्से को, याद रहे, ये सिर्फ आपके अंदर ये एक मैं हो जाती है पैदा, ईगो बहुत पैदा होता है, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू एन एलीट ग्रुप और एलीट क्लास, तो ईगो बहुत होता है, बिकॉज ताकत होती है, पैसा है, इक्तदार है, वगैरह वगैरह। अगर से एलीट से नहीं भी करता तो अक्सर कॉम्प्लेक्स लोगों में बहुत ईगो होता है जी, कि तुमने मेरे आगे कैसे बोला। कॉम्प्लेक्स लोगों में भी होता है और वो रिएक्ट भी करते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। सो अगर आपने अपने आप को जवानी में कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में ज़रूर आप अफसोस आपके साथ आपका साथी होगा। सो मेक गुड चॉइसेस। I hope this video has brought some kind of a, shed some kind of a light in the questions that you might have in your mind. अगर इस एज के अंदर आपको लगता है कि मैं डिप्रेस हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं सेंसिटिव हो रही हूँ या हो रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं ड्रग्स की तरफ, नॉट बिकॉज आई एम शोइंग ऑफ बट आई एम गोइंग थ्रू अ मेंटल स्ट्रेस, या मुझे बॉडी इमेज इशू है, या आपको लग रहा है कि मुझे फैमिली इशू है, या आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे, सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट डॉक्टर मोइज। हमारे डिटेल्स नीचे लिखी हुई हैं, डू कॉन्टैक्ट। Even if you don't want to talk, contact Dr. Moiz, go contact someone who can help you in this. Because if you are going through a mental stress, if you are into a mental pressure, this is the time to act on it. Because if you act on it, you will have a better future. Anything you want to say? And definitely, what kind of videos, किस किस्म की videos आप चाहते हैं हम आपसे साथ share करें, बना के आपको दें, तो हमें comments के अंदर अपने अपने choices बताइए, topics बताइए, subjects बताइए, एंड वी विल बी एबल टू डू इट एंड इंशाल्लाह हेल्प यू आउट। अच्छा, पर्पज़ सिर्फ इतना है कि ये जवानी वापस नहीं आनी, बस इस सारी मेहनत ये है मेरी उरूज की, महवर ये आज की टॉक का, कि ये वो जो वक्त है ना, वक्त ज़ाय मत करें। वक्त निकल गया वापस नहीं। मुझे बस ये कि मुझे ही पता है दैट आई एम 35 एंड आई एम एजिंग, बट मुझे अपने बुढ़ापे के अंदर कोई रिग्रेट नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू रिग्रेट कि मेरा लिवर खराब हो गया, मैं उस वक्त कर लेती तो अच्छा, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे उस वक्त कर लेती, मुझे डायबिटीज हो गई तो उस वक्त, वो टाइम निकल गया या उससे माफी मांग लेती, उससे माफी मांग लेती। सो आज सारे यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, अगर किसी से आपने लड़ाई की है, झगड़ा किया है, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, आपने अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया है, कुछ लर्न नहीं कर रहे, सो प्लीज दिस इज द टाइम डू इट, बिकॉज दिस टाइम विल नेवर कम बैक। और अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे। बिल्कुल। पाकिस्तान पाइन दबाज। बाय बाय।